दिखाने वाली हूँ और साथ में आप लोग को जो आप लोगों ने सर्वे में देखने के लिए मिलने वाला है और कब मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में डेट बताने वाली हूँ। और शायद में आप लोगों का जो काइरोस क्रिएटर है ये आप लोगों को फ्री में कब मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और शायद में आप लोगों को फिश का जो ये वेब फ्रंट है जिसके अंदर कौन कौन से फिश की स्किन आप लोगों को इंडिया सर्वे में देखने के लिए मिलेगी रिटर्न में ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप लोगों का जो कोबरा पन्नल है इसका रिंग इवेंट आप लोगों को इंडिया सर्वर में कब देखने के लिए मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना या फिर आप लोग बहुत सारी अपडेट मिस कर दोगे। तो चलो इस वीडियो को देख के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सो गाइस यार सबसे पहले देखो आप लोग को 2 मई को नेक्स्ट इवो 4 रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आप लोग को एमडेन 14 के जो इवो करने ग्रीन फीमेल ड्रैको ये तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में आप लोग का जो इवो स्कार है ना ये भी आप लोग को 2 मई को इवो होल्डिंग इवेंट में रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा इंडिया सर्वर के अंदर में। सो 2 मई को आप लोग को इफो होल्डिंग इवेंट के अंदर में इंडिया सर्वर के अंदर में इस कार की इफो गन देखने के लिए मिल जाएगी। एमडेन 14 की देखने के लिए मिल जाएगी MP5 और थम्सन के जो इफो गन है ये चारों इफो गन आप लोग को नेक्स्ट इफो होल्डिंग इवेंट के अंदर में 2 मई को आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में फिश की स्किन को लेकर एक फैफन देखने के लिए मिल सकता है लकी ड्रॉ जैसा। मतलब यहाँ पे गाइस आप लोगों जो 3 फिश की स्किन आप लोग को दिख रही है ये 3 के फिश के स्किन है और आप लोग डायमंड से स्पिन करोगे तो ये तीनों वाला जो रोल है ये ऊपर नीचे होगा और तीनों में एक ही फिश के स्किन आएगी तो आप लोग को जाके वो वाला जो फिश का स्किन है वो आप लोग को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो 3 फिश के स्किन है जो अच्छा खासा फिश का स्किन आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी ऐसा वेवेंट आप लोग को सेवन मंथ में इंडिया सर्वे के अंदर में पॉसिबल है कि आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा नहीं तो लकी रॉयल के अंदर में। और फिर किसी को सेवन मंथ में आप लोग को समर इवेंट स्पेशलिस्ट ऑफ मिशेस ऑफ फिंग ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और मिशेस ऑफ आप लोग देख ही सकते हो मिशेस ऑफ के अंदर आप लोग को समर इवेंट स्पेशलिस्ट ऑफ पन्नल है मेल्टा ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और फीमेल का भी पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग जो आइटम्स वगैरह है वो तो आप लोग देख ही सकते हो क्रीट वगैरह है और आप लोग का जो यहाँ पे मंडल्स वेंडल्स है वो आप लोग को मिल जा रहा है इमोट मिल जा रहा है। और आप लोग का जो इस खेती की स्किन है प्रांग की स्किन है कटाना की स्किन है और आप लोग को मिल जा रहा है पैंट जर्सी ये वो आप लोग को मिल जा रहा है नेम सेंस कार्ड क्रीट वगैरह पॉजिट वगैरह आप लोग को मिल जा रहा है। जो भी मिशे शॉप के अंदर भी रिवार्ड्स मिलते हैं। सो शोर मंथ में मिशे शॉप आने वाली है इंडिया सर्वे के अंदर में समर इवेंट स्पेशली। और फिर किसी को आप लोग का जो काइरोस क्रिएटर है आप लोग को फ्री में कब मिलेगा सोच रहे हो तो देखो 15 मई के बाद में जो पैराडॉक्स का इवेंट चलने वाला है पैराडॉक्स के इवेंट के अंदर से आप लोग को फ्री का मिशन करने पर आप लोग का जो काइरोस क्रिएटर है आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल सकता है। सो 99.9% कंफर्म है। बाकी 1% इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका ऑफिशियली बैनर नहीं आया है क्योंकि आज तो 30 अप्रैल ही है। सो जल्दी ऑफिशियल बैनर आ जाएगा इसका फ्री का डेट को लेके तो मैं आप लोग को बता दूंगी। बाकी अभी के लिए आप लोग को पॉसिबल है आप लोग को 15 मई के बाद में ये जो काइरोस क्रिएटर है ये आप लोग को पैराडॉक्स के बैंड से बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट फेस्टिवल के अंदर में आप लोग को म्याओ म्याओ वाली जो वुल वाल की स्किन है बैम्बू ट्री वाली ये आप लोगों को इंडिया सर्वर के अंदर में पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट फेस्टिवल नहीं तो नेक्स्ट के नेक्स्ट फेस्टिवल में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ये कल किसी नवी पे पेंडिंग में पड़ी है इंडिया सर्वर में। सो जल्दी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर इसी को आप लोग का जो न्यू पैराडॉक्स इवेंट के थीम में आप लोग का जो न्यू इफो बनल है लुक चेंजर है ये आप लोग को रिंग फैन के अंदर में 28 मई को देखने के लिए मिलेगा। जो रिंग फैन का इफो आप लोग देख ही सकते हो। और शायद में आप लोग को नेक्स्ट फेस्टिवल के अंदर में ये भी पॉसिबल है कि आप लोग का जो सामो इमोट है जिसका इफो आप लोग देख ही सकते हो साथ में आप लोग का जो स्कॉर्पियो की गुलवल की स्किन है इसका आप लोग को फेस्टिवल देखने के लिए मिल सकता है या फिर मुकेश्वर जिसके अंदर आप लोग को स्कॉर्पियो वाली गुलवल की स्किन देखने के लिए मिल सकती है। और फिर इसी को आप लोग का तो नेक्स्ट यहाँ पे इफो बलून्स इवेंट है जिसके अंदर आप लोग जो इफो गन्स है इसको बहुत ही कम डायमंड में आप लोग जो है कम टोकन में आप लोग अपग्रेड कर पाओगे कम टोकन तो नहीं कम डायमंड में आप लोग अपडेट कर पाओगे। सो इफो बलून्स इवेंट का आने का पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को मई मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी इसका थोड़ा मोड़ा लीक न्यूक निकल के आया है कि आप लोग को थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि आप लोग को मई मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। सो मैंने आप लोग को बता दिया और बाकी इसको लेकर पूरा ही कन्फर्म न्यूज आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगी कब आ सकता है। बाकी अभी पॉसिबल था तो बता दिया। और बाकी देखिए आप लोग का जो कोबरा पंडल है इसका जो रिंग इवेंट है ये आप
लोगों को कब देखने के लिए मिलेगा तो देखो, कोबरा बनने का रिंग इवेंट आप लोग को स्कॉर्पियो इफो बनल आएगा फिर देखने के लिए मिलेगा, पर स्कॉर्पियो बनने का जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को सोन मंथ में इंडियन सर्वे के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्कॉर्पियो बनल सोन में आने वाला है तो आप लोग को जो कोबरा बनल है, कोबरा बनल का जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को इंडियन सर्वे के अंदर में आगे आ सकते हो नवंबर या फिर दिसंबर या फिर आप लोग को अगले साल देखने के लिए मिलेगा रिटर्न में कोबरा बनल, क्योंकि कोबरा बनल को लेकर अभी कुछ भी लिख फेर कुछ भी कंफर्म नहीं है। आने वाले अपडेट में कुछ कंफर्म लीक वगैरह आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। इस अपडेट में कोबरा बंडल के रिगार्डिंग कोई फिर लीक वगैरह नहीं है, आप लोग को सुन तक जो कोबरा बंडल है वो आप लोग को 100% कंफर्म ही है आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वही आप लोग को इन समय के अंदर में सोलोल इमोट है ये आप लोग को इमोट कैप्सूल इवेंट में ही रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, और इस अपडेट में जो इमोट कैप्सूल इवेंट है इसका कोई फिर अभी जो ऑफिसली बैनर या फिर फाइल के अंदर में एड नहीं हुआ, तो अगर मैं या फिर सोन में अगर इमोट कैप्सूल इवेंट आएगा इसका जो फाइल में ऐड हो जाएगा इस इवेंट का जो भी यहाँ पे प्लेक्स है सब वो ऐड हो जाएगी, तो मैं आप लोग को इस इवेंट का डेट कंफर्म बता दूंगी। और आर्टिक फ्लो बंडल को लेके फिर लेख फिगर आ रहा है आप लोग को, जो आर्टिक फ्लो बंडल है इसका आप लोग को रिंग इवेंट नजर आ सकता है इंडिया सर्वे के अंदर में, सो रिंग इवेंट है वो आप लोग देख ही सकते हो। आर्टिक फ्लो के जितने भी बंडल्स वगैरह है वो आप लोग को देखने के लिए मिल सारा, बाकी ये आप लोग को पॉसिबल है कि आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है इस अपडेट में आर्टिक फ्लो का बंडल। और आप लोग को नेक्स्ट रिंग इवेंट के अंदर में जो एमपीएस वाले से वन की स्किन है M14 की ये आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि रैम्पेस का जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है, रैम्पेस का इवेंट स्टार्ट नहीं होगा, बट हम लोग को जो बंडल सॉरी बंडल्स ने जो उनके स्किन से आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। और पिंक डायमंड ईश्वर आप लोग को इंडिया सर्वे के अंदर में देखने के लिए नहीं मिला है, 5th एनिवर्सरी के टाइम में देखने के लिए मिला था, और अभी तक जो पिंक डायमंड ईश्वर है ये इंडिया सर्वे में एक भी बार नहीं आया, सो आप लोग को जो पिंक डायमंड ईश्वर है आप लोग को फिर से रिटर्न में कब देखने के लिए मिलेगा इंडिया सर्वे में, अगर आप लोग सोच रहे थे सब लोग को बता दो, आप लोग को 5th एनिवर्सरी के टाइम में देखने के लिए मिला था और अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है। और आई गेस में जो 7th एनिवर्सरी का इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाला है, सो उस टाइम आप लोग का जो पिंक डायमंड ईश्वर है आप लोग को पॉसिबल है कि आप लोग को इस पर 7th एनिवर्सरी स्पेशली आप लोग का जो पिंक डायमंड ईश्वर है आप लोग को इंडिया सर्वे के अंदर में फिर से रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जो रिवार्ड्स होगा वो तो गाइस करने वाले जाने, सो अभी थीम में देंगे उसी के थीम में आप लोग को जो 7th एनिवर्सरी स्पेशली ये तो बनी है, स्पेशली आप लोग का जो रिवार्ड्स है वो आप लोग को पिंक डायमंड ईश्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। और लेकिन फिर इसको इवेंट आप लोग को समय के अंदर में 4 मई को देखने के लिए मिल जाएगी। और लेकिन फिर डिस्काउंट इवेंट के अंदर आप लोग को पता है फ्री का स्पिन आप लोग करोगे तो जितना भी ऑफ आएगा उतने ऑफ में आप लोग यहाँ पे सो एक आइटम है उसको परचेस कर पाओगे, सो लेकिन फिर डिस्काउंट इवेंट आने वाला है 4 मई को। और लेकिन फिर डिस्काउंट इवेंट के अंदर में आप लोगों को समर इवेंट स्पेशली सो ये बंडल है माल का ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, सो बंडल है वो आप लोग देख ही सकते हो अच्छा कैसे लग रहा है। बाकी आप लोगों को लेकिन फिर डिस्काउंट इवेंट है इसके अंदर में आप लोगों को ये ट्रैफिक लाइट वाला जो बंडल है माल का ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जो ट्रैफिक लाइट वाला बंडल है इसका आप लोग फुल रिव्यू देख सकते हो, इसका जो बंडल है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। इस बंडल में आप लोग को टॉप पैंट सोल्स और जो चश्मा है हेयर है सब कुछ आप लोग को मिल जा रहा है, और जो चश्मा है वो तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बाकी जो इसका टी शर्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है। सो ये जो ट्रैफिक लाइट वाला बंडल है ये आप लोग को जो लकी फुल डिस्काउंट इवेंट है इसके अंदर में देखने के लिए मिल सकता है, साथ में इसका जो फीमेल वर्सन है फीमेल का बंडल भी आप लोग को लकी फुल डिस्काउंट इवेंट के अंदर में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जिसके ऊपर की शर्ट और पैंट वगैरह जो हेयर है वो देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है, पर जो मेल का सॉरी फीमेल का जो बंडल है वो अच्छा खासा लग रहा है। और आप लोग को लकी फुल डिस्काउंट इवेंट के अंदर में इंडिया समर में 4 मई को आप लोग को ये दोनों ही ट्रैफिक लाइट वाले जो बंडल से वो देखने के लिए मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोग को जो समर इवेंट स्पेशली जो मेल का बंडल है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। पर लेकिन फिर इस इवेंट के अंदर में आप लोग को वही सारा आइटम देखने के लिए मिलेगा जो आप लोग को देखने के लिए मिलता है, क्रीट वगैरह इफोट टोकेंस बंडल्स इमोट्स क्रीट वो सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आना है तो लाइक करना फूल है नहीं तो चलिए।